मुहाजरात की 11वीं आयत करीमा या अय्युहल लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुन मिन क़ौमिन। इस आयत करीमा में पहला हुक्म साहिबान ईमान के लिए यह है कि वो किसी का मजाक और मस्खरा न उड़ाएं। दूसरा हुक्म है वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को ताहना न दें। सफ़िया जो हई बिन अख्तब की यहूदी की बेटी थी, फतह खैबर के बाद इस्लाम से मुशर्रफ हुई और अजीम शरफ ये मिला कि सरकार खत्मी मर्तबत की बीवी हुई। एक दिन सफ़िया बचश्म गिरियाँ रसालत माँ आप की खिदमत में पहुँची और कहने लगीं कि मुझे किसी ने यह ताना दिया है कि तुम यहूदी जादी हो। तो आपने फरमाया कि तुम्हें कहना चाहिए था कि मेरे बाप हारून हैं, मेरे चचा मूसा हैं, मेरे शौहर नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैं। उसके बाद ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि खबरदार किसी के आयब को न तलाश करो, किसी को ताना न दो। वला तनाबदू बिल अलकाब, और तीसरा हुक्म यह है कि बुरे अलकाब से याद न करो।